अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और दोस्तों आज हम लोग दो मिड रेंज फोन्स का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जिसके बाद आप लोग जो है ना वो डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों ही फोन्स में से किस कैटेगरी में कौन सा फ़ोन बेटर है। एक तो बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च इन्फिनिक्स नोट 12 G96 के हार्डवेयर के साथ जो आता है, इसको आज हम लोग कंपेयर करेंगे। मेरी नज़र में जो आज तक वैल्यू फॉर मनी है इस करंट डॉलर सिचुएशन में, वो है रेडमी नोट 11। देखते हैं कि कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में बेटर है। कैमरा को भी हमने कंपेयर किया है और आज स्पीड टेस्ट को भी कंपेयर किया है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि आप अगर 30 से 35 या 40,000 रुपये की रेंज भी रखते हैं तो आपको किस फ़ोन पर किस वजह से जाना चाहिए। आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग को डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा फ़ोन कौन सा कैटेगरी में बेटर है। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी अगर किसी फोन का कंपैरिजन चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। प्राइस मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ों को कवर कर लूँ, वीडियो छोटी पाँच क्योंकि आप लोगों के लिए आते हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बना लेते हैं हम लोग, डिटेल में ज़्यादा निकल जाते हैं। प्राइस वाइज रेडमी नोट 11 में दो वेरिएंट है, 4GB 128GB जो कि 35 के अंदर मिल जाता है, और इसी तरीके से 6GB 128GB जो कि 38 की इनवाइस है, वैसे 36,000 रुपये का इजीली मिल जाता है। वहीं पर इन्फिनिक्स नोट 12 में फिलहाल एक ही वेरिएंट अवेलेबल किया गया, 8GB 128GB 35,000 रुपये इसकी जो रिटेल प्राइस है और वो रखी गई है ऑफलाइन मार्केट में, ये भी 2-3,000 रुपये डिस्काउंट से आपको इजीली देखने को मिल जाता है। तो 8GB 128GB के हिसाब से प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा एडवांटेज जाता है इन्फिनिक्स नोट 12 को। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, डायरेक्टली ओपिनियन दूंगा भाई, कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से Redmi Note 11 ज़्यादा बेटर होगा। IP53 की रेटिंग मिलती है, स्प्लैश और वाटर रेजिस्टेंस भी है थोड़ा बहुत, और साथ के साथ आपको जो है डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है, और साथ ही साथ दोनों फ़ोन सेमी बॉक्सी डिज़ाइन में आते हैं। मुझे जरा ना कंफर्टेबल लगा हमारा Redmi Note 11। इन्फिनिक्स भी ऑल दो ठीक है, लेकिन ये जो ग्लॉसी लुक दी गई है ना कैमरा मॉड्यूल के साथ, यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। लुक वाइज अपेरेंटिवली थोड़ा सा बेटर लगेगा मुझे, मेरी प्रेफरेंस है Redmi Note 11। उसी तरीके से अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों फ़ोन रियर पर पॉलीकार्बोनेट लेके आते हैं, स्मजेस भी Redmi Note 11 मुझे कम पड़े, और दूसरा फ्रेम भी दोनों फोन्स का प्लास्टिक है, और ये 3 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना तो बैक पे कोई स्क्रैच पड़ा है ना ही कोई फ्रेम पे स्क्रैच पड़ा है, बट इसको 2 दिन यूज़ करते हुए ये जो ग्लॉसी लुक है यहाँ पर स्क्रैच पड़ गया, और इसका जो फ्रेम है ना वो सिल्वर कलर का है। सिल्वर कलर में हमेशा से ये होता है कि नीचे से व्हाइट कलर निकल आता है, स्क्रैच अगर कोई पड़ता है या अगर आपने को कवर लगाया कोई डस्ट पार्टिकल चले गए तो वो स्क्रैच छोड़ जाता है, बट इस फोन के अंदर मुझे कुछ ऐसा स्क्रैच देखने को नहीं मिला। इन एंड फील के हिसाब से भी मुझे यहाँ पर जो है ना Redmi Note 11 जो है वो बेटर लगा है। उसके अलावा वेट भी कुछ 4-5 ग्राम का डिफरेंस है Redmi का, Redmi Note 11 कम है इन्फिनिक्स से। इन्फिनिक्स थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, 6.8 इंचेस का ऑलमोस्ट हो जाता है, और उसी तरीके से कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती, और साथ के साथ यहाँ पर अगर बटन प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स की लोकेशन एक जैसी है, बस बड़े छोटे का फर्क होगा। दोनों ही फोन्स की एक साइड पर ही ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की मिलती है, बट Redmi के फोन में ऊपर वाली साइड पर एक एक्स्ट्रा स्पीकर ग्रिल है, एक IR ब्लास्टर है, 3.5 का जैक ऊपर वाली साइड पर मिलता है। इन्फिनिक्स के पोर्ट्स जो हैं वो हमें बॉटम वाली साइड पर देखने को मिलती है, और Redmi की बॉटम साइड पर सिर्फ टाइप सी और एक स्पीकर ग्रिल की पोर्ट देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी में Redmi Note 11 इज मच बेटर देन इन्फिनिक्स नोट 12, थोड़ी सी अच्छी फील कराता है, ये थोड़ा सा वैसे ही लुकता है जैसे इन्फिनिक्स का फोन होता है। बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले में भी क्लियरली डिफरेंस होगा, दोनों ही फोन वैसे तो इस प्राइस सेगमेंट में वाहिद फोन है अभी फिलहाल जो एमोलेड पैनल आपको 1080p रेजोल्यूशन में ऑफर करेंगे, बट इन्फिनिक्स नोट 12 60Hz का रिफ्रेश रेट है, वहीं पर 90Hz का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलता है हमारे Redmi Note 11 में। 6.43 इंचेस का साइज है Redmi Note 11 का, और वहीं पर जो 12 है नोट 12 है इन्फिनिक्स का, यहां पर 6.78 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले विद नॉच, और नॉच में भी ऊपर वाली साइड पर एक बड़ा बेजल देखने को मिलता है। साइड बेजल्स आपको इन्फिनिक्स के फोन के जरा कम लगेंगे क्योंकि फोन का साइज बड़ा है स्क्रीन साइज का, लेकिन Redmi Note 11 सेंटर पंचोल कटआउट लेके आता है, चिन एवरेज साइज की मिलती है, मिड रेंज सेगमेंट की चिन है यहाँ पर, थोड़ी सी बड़ी होगी इन्फिनिक्स नोट 12 से, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 12 का जो ऊपर वाला बैलेंस है वो जरा आपको पसंद नहीं आएगा, और नॉच भी ना तो यू है ना ही वी है ना ही टीयर ड्रॉप है, तो नॉच का जरा साइज भी अजीब देखने को मिलेगा। उसके अलावा रिफ्रेश रेट की बात करता हूँ तो स्मूथ रिफ्रेश रेट हमें Redmi Note 11 प्रोवाइड करेगा कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स नोट 12 से, और नोट 12 के ऊपर वही IP वही डिस्प्ले लगाया गया एमोलेड का जो नोट 11 में भी था इन्फिनिक्स के, और जो नोट 12 G88 में भी है, और नोट 11 की बहुत सारी शिकायतें थी कि डिस्प्ले जो है वो कलर छोड़ जाता है, बट अभी तक Redmi में मुझे डिस्प्ले में कोई भी ऐसी शिकायत फील नहीं हुई है। दोनों फोन्स की जो ब्राइटनेस है वो 1000 पीक ब्राइटनेस में बताई जाती है, बट डेलाइट में थोड़ी विजिबिलिटी Redmi Note 11 की बेटर रही। और प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो Redmi Note 11 में Gorilla Glass 3 है, इन्फिनिक्स ने 2.5D ग्लास लगाया हुआ है, कोई भी Gorilla Glass की प्रोटेक्शन अगर होती तो इन्फिनिक्स जरूर मेंशन करता। तो यहां पर Redmi Note 11 डिस्प्ले विजुअल एक्सपीरियंस कॉम्पैक्ट साइज के होने के हिसाब से और ज्यादा एक्स्ट्रा को जो है ना वो शार्प कलर देखने को मिलते हैं,
हमारे Redmi Note 11 में। उसके अलावा वाइड वन एलेवन दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, दोनों ही फोन के अंदर OTT प्लेटफॉर्म जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो डिस्प्ले कैटेगरी में भी Redmi Note 11 इज मच बेटर देन Infinix Note 12 और इस प्राइस सेगमेंट में ये वाहिद फोन है जो कि अभी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद 1080p रेजोल्यूशन और AMOLED पैनल जो है वो ऑफर करता है। अब ये तो बात होगी डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की, बात करते हैं कुछ परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आपको फील होगा दोनों ही फोन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक तो एडवांटेज Infinix के Note 12 को ये कि 8GB रैम है, दूसरा 5GB एक्सटेंडेबल रैम मिलती है, वहीं पर Redmi की 6GB और 4GB मिलती है, 2GB का एक्सटेंडेबल रैम देखने को मिलता है। MIUI 13 के बग्स की भी बहुत शिकायत है और वहीं पर Infinix की UI भी स्लो हो जाती है, ये भी लोगों के XOS ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा शिकायत है। XOS ऑपरेटिंग सिस्टम में एड्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, XOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ब्लॉटवेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, MIUI 13 में जस्ट बग्स ही आते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर इन दोनों ही फोन्स को कंपेयर करते हैं तो MediaTek Helio G96 Infinix के Note 12 में मिलता है। ये 12nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बनाया गया प्रोसेसर है, उतना पावर एफिशिएंट नहीं होगा, पहले भी टेस्ट आउट है। और G96 का मैंने ज़्यादातर जितने भी हार्डवेयर चेक किए हैं वहाँ पर हमें हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है, बट इस फोन के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड लगाया गया, कॉस्ट कटिंग की गई है। लेकिन Redmi Note 11 की बात करते हैं तो Snapdragon का हार्डवेयर मिलता है, Snapdragon 680, 6nm फैब्रिकेशन, पावर एफिशिएंसी भी ज़्यादा बेहतर होगी और उसी तरीके से आपको लॉन्ग रन मिलेगा, स्लो नहीं होगा जल्दी। और साथ के साथ यहां पर जो है ना वो आपको 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती है और MediaTek Helio G96 जो है ये आपको जो है वो 2.05 ऑक्टाकोर की क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करता है। तो यहां पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन 8GB के एडवांटेज के साथ Redmi जो Infinix का Note 12 है, एक तो हम लोगों ने जब बूट टेस्ट रन किया तब पहले ऑन हुआ, उसी तरीके से हम लोगों ने फिंगरप्रिंट सेंसर को चेक किया तो फिंगरप्रिंट सेंसर में जो Redmi Note 11 है यहां पर एनिमेशन डिले जरूर है, ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ही फोन अनलॉक होते रहे हैं। और उसी तरीके से हम लोगों ने कुछ कस्टम UI की जो अपनी एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी रन करके देखा है, तो यहाँ पर Infinix थोड़ा सा बेहतर रहा एप्लीकेशन लोडिंग टाइम में, स्लाइटली बेटर रहा, नॉट नोटिसेबल, लेकिन ओवरऑल इन रैम मेमोरी भी हमें Infinix के फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन अगर आप एक ऐसी यूज़र हैं जो कि कैजुअल हैं तो अब आपको दोनों ही फोन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा, लॉन्ग रन होगा हमारा 6nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेस जो है Snapdragon के हार्डवेयर, वैसे भी लोगों को जो है ज़्यादातर Snapdragon के हार्डवेयर पसंद आते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि UI की कंफर्टेबिलिटी आपने देखनी है कि किस UI के साथ आप कंफर्टेबल हैं। बहरहाल UI दोनों ही फोन की मुझे शिकायत रहेगी, बग्स और वो स्टटर चलते रहते हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हमें Infinix के फोन में मिलती है, गूगल डायलर हमें मिलता है Redmi के फोन में जहां पर वॉइस ऑपरेटर चलता है कॉल रिकॉर्डिंग से पहले। और उसके साथ साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस की तो Snapdragon 680 30fps जरूर प्रोवाइड करता है, बट यहां पर हार्डवेयर बेस्ड जायरो है पबजी को लेकर खासकर। और उसके अलावा कैजुअल गेमिंग करनी हो तो ये भी फोन अच्छा है और ये भी फोन अच्छा है, लेकिन अगर पबजी की बात करते हैं तो जायरो बेस हार्डवेयर है, ऑप्टिमाइजेशन का भी डिफरेंस मिला है, फ्रेम ड्रॉप्स भी मुझे मिले हैं Infinix Note 12 में। हो सकता है कि Infinix कुछ छोटी मोटी एक अपडेट दे के इसको ठीक भी कर दे, बट ये जो जायरो वाला मसला ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस है, हार्डवेयर नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है पबजी के लिए दोनों ही डिवाइसेज मैं रिकमेंड करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने कैजुअल यूजेज करना है तो यस दोनों फोन जो है ना वो आपको अच्छा जो है वो एक फील प्रोवाइड करेंगे। अच्छा आपने UI देख लेनी किससे कंफर्टेबल है किससे नहीं। और उसके साथ साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज हमें मिलता है हमारे Redmi Note 11 में, UFS 2.1 कंपनी ने मेंशन किया है, बट हमने DRM इन्फो में देखा है कि Note 12 जो है ना वो मेंशन ही नहीं करता कि कौन सी स्टोरेज टाइप है, बट कंपनी ने मेंशन किया तो हम वही कंसीडर कर लेते हैं कि UFS 2.1 का जो स्टोरेज है वो Infinix के Note 12 में मिलता है। तो आपकी क्या चॉइस रहेगी परफॉर्मेंस के हिसाब से, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वैसे MediaTek Helio G96 में अगर आप लेना ही चाहते हैं 40fps का गेम प्ले तो भाई Infinix Note 11 Pro भी अवेलेबल है और इसी तरीके से Canon 18P भी अवेलेबल है जो कि कंपैरेटिवली इस फोन से बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपने चॉइस देख लेनी है। आपकी क्या चॉइस होगी डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ये तो बात होगी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस का जो है मामला आप पे छोड़ देते हैं, मैं थोड़ा सा एडवांटेज हमेशा से मेरा जो ओरिएंटेड रहा हूँ मैं Redmi का, तो मैं Redmi की तरफ जाऊँगा लेकिन बग्स के साथ थोड़ा थोड़ा हटता भी हूँ, लेकिन Infinix की UI के साथ तो मैं बिल्कुल कभी कंफर्टेबल नहीं रहा। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ कैमरा सेटअप की, फ्रंट साइड पर दोनों ही फोन सिंगल सिंगल कैमरा लेके आते हैं, 13MP Redmi Note 11 में, उसी तरीके से 16MP Infinix के फोन में जो कि 2K की सपोर्ट करता है 1080p 30fps। Redmi Note 11 जो है वो मैक्सिमम 1080p 30fps फ्रंट और बैक से कवर करता है। इस तरीके से रियर साइड पर Infinix के फोन में सिर्फ मेन सेंसर ही है जो कि 50MP का आपने कंसीडर करना है, बाकी दोनों सेंसर ग्रेवी वाले होते हैं Infinix के, हमेशा से हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करवाई है। और जो Redmi का फोन है यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर का भी एडवांटेज है, एक तो 50MP का मेन सेंसर है, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और एक आपको जो है 2-2MP के बाकी सेंसर भी देखने को मिलते हैं। मैक्रो की ऑप्शन जो है वो आपको Redmi Note 11 में मिलती है, किसी ऑब्जेक्ट के करीब से पिक्चर कैप्चर करनी हो कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो है Infinix में देखने को नहीं मिलती। दोनों ही फोन्स के अंदर फ्रंट और बैक में कोई भी डेडिकेटेड ना तो स्टेबल मोड दिया गया है ना ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। हमने कुछ वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं, पहले आप वो चेक करें जिसमें आप माइक क्वालिटी, एक्सपोजर, इन चीज़ों का अंदाजा लेंगे, स्किन टोन का अंदाजा लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अपने ओपिनियन की और बात करते हैं स्लो मोशन की और पिक्चर्स की, कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। तो अब हम दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 13MP 16MP में आपको डिफ्रेंशिएट दिखाना है भाई आज हमने, स्किन टोन्स और क्रॉप सेंसर है भाई Redmi Note 11 थोड़ा सा। ऑल्दो जो Snapdragon 680 मैं हमेशा से कहता हूँ वीडियोज़ में उतना कैपेबल नहीं है,
लेकिन ये दोनों तकरीबन प्राइस सेगमेंट सेम में आते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने एक तो डिफरेंस का अंदाज़ा लेना है, और कोई भी फ्रंट साइड पे डेडिकेटेड स्टेबल मोड नहीं है। हाँ, इन्फिनिक्स के फ़ोन में ऑटो ही फोकस काम कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ मेरी आई घूम रही है तो एक चीज़ वो सामने जो है वो घूमती रहती है। उसी तरीके से डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है, हम लोग डिफरेंट लाइट कंडीशन से गुजर के देखते हैं, और बैक साइड पर भी सनलाइट को लाते हैं, एक्सपोजर जो है वो कौन सा फ़ोन जो है बेहतर मेंटेन कर पाता है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे तो मुझे जो है ना वो रेडमी नोट 11 जो है वो थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स की जो रियर साइड है बिल्कुल ओवर एक्सपोज या वाइटिश टोन देखने को मिल रही है। फिलहाल पोस्ट प्रोसेस करेगा तो फिर पता लगेगा, कंक्लूजन में बात करेंगे। ऑल्दो दोनों ही फ़ोन्स को हम लोग स्टेबल कर लेते हैं क्योंकि स्टेबलाइजेशन ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ दोनों ही फ़ोन्स को मैंने जो है वो स्टेबल पकड़ा हुआ है, एक तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रेम्स कैसे मिलते हैं, दूसरा पीछे बैक साइड पर जो कलर्स ज़्यादा आ चुके हैं, अब कलर्स का भी हम लोग अंदाज़ा लेंगे। थोड़ा सा ब्यूटीफाई फिल्टर या थोड़ा सा सैचुरेशन मुझे मिल रही है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, और फ्रंट कैमरा में जो हम लोग हैं वॉइस क्वालिटी वो रेडमी नोट 11 की यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्फिनिक्स के फ़ोन की भी यूज़ करेंगे। रियर कैमरा में स्टेबलाइजेशन दोनों फ़ोन में नहीं है, कोई डेडिकेटेड मोड भी नहीं दिया गया इन्फिनिक्स के फ़ोन में। तो ओवरऑल ये था फ्रंट कैमरा, आपको कौन सा बेटर लगा डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब ये वीडियो क्लिप हमने इन्फिनिक्स के नोट 12 में 2K ऑन कर दिया है। ऑल दो पहले भी मैंने जो कंपैरिजन किया तो उसमें बताया था कि जो स्क्रीन है या जो चेहरा है वो ब्लर दिखा रही है, फन कंक्लूजन में भी हमने यही बताया था। 1080p मैक्सिमम है रेडमी नोट 11 में, और यहाँ आपको डिटेल इनका अंदाज़ा हो जाएगा। ऑल दो जो 2K है वो है वाइड एंगल ज़रूर है हमारे इन्फिनिक्स के नोट 12 में। तो इसी तरीके से रियर कैमरा को भी 1080p 30fps पे चेक करते हैं, और रियर कैमरा का भी 2K चेक करते हैं। अब दोनों ही फोन्स के रियर कैमरा से हम लोग 1080p 30fps रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब से डॉलर प्राइस ज़्यादा हुआ ना तो भाई EIS जो है ना वो स्किप हो गई है, 40,000 रुपये की किसी भी फ़ोन में प्रॉपरली नहीं मिलती। कोई भी डेडिकेटेड एक स्टेबल मोड पहले आता था वो भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक तो आप लोगों ने ये अंदाज़ा लेना है क्योंकि सेम जो है वो फ्रेम में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, दोनों फोन सेम पोजीशन में लगे हुए हैं, एक तो वाइड एंगल किसका है बेहतर, और साथ के साथ हम लोग थोड़ा सा एक्सपोजर को चेक करते हैं कि अगेंस्ट द लाइट कौन सा फ़ोन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रियर साइड को मेंटेन कर लेता है। अब इस तरीके से मेरे बैक साइड पर जो है लाइट ज़्यादा आ चुकी है, हम लोग थोड़ा सा और जो है वो इस तरीके से इसके जो है देखते हैं कि मतलब थोड़े से घूमते फिरते रहते हैं, और उसी तरीके से थोड़ा सा देखते हैं कि स्टेबल मोड किस फ़ोन में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो ग्रीन बेल्ट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, ताकि यहाँ से हम लोग स्टेबल मोड चेक कर सकें। तो स्टेबल मोड में देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है वो बेहतर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। हम सामने कैमरामैन को भी खड़ा कर देते हैं। माइक्रोफोन की क्वालिटी इन्फिनिक्स नोट 12 की यूज़ हो रही है। अब यहाँ दोनों ही फोन्स जो हैं उनका सेम फ्रेम है, तो एक तो ये अंदाज़ा लेंगे, और दूसरा फ्रेम्स कैसा मेंटेन करते हैं, और हम लोग फोकस को भी चेक करना चाहेंगे कि फोकस किस फोन में बेटर देखने को मिलता है। तो यहाँ फोकस शिफ्ट दोनों ही फोन्स का ओके है, नॉट गुड एज इट कैन बी, बट ओके मिलता है, और डायनामिक रेंज भी आप अंदाज़ा लगा लें, हम फाइनल कंक्लूजन में बात करेंगे। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो जूम की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा स्मूथ शाओमी के फ़ोन में, लेकिन हाथ को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा जब आप जूम करते हैं। तो यहाँ कुछ यही डिटेल है, चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अब हम दोनों ही फोन्स के रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि 1080p 30fps रेडमी नोट 11 में है, और वहीं 2K का जो ऑप्शन मिलता है ना इन्फिनिक्स के नोट 12 में हमने वो ऑन किया है। अब फ्रंट कैमरा में तो हम लोगों ने देखा था ना कि जी स्क्रीन जो चेहरा है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा था इन्फिनिक्स का फ़ोन। इसी तरीके से थोड़े से फ्रेम को 2K को चेक करते हैं, बट 2K नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग, इसकी जगह 1080p 60fps दोनों ही फोन्स के अंदर अवेलेबल होता वो ज़्यादा बेहतर था। अनफॉर्चुनेट दोनों ही फोन नहीं रिकॉर्ड करते, तो 2K में मैक्सिमम यही डिटेल है, स्टेबलाइजेशन कोई नहीं है। तो स्लो मोशन चेक करते हैं फिर बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की। स्लो मोशन दोनों ही फोन्स रियर साइड से 120fps 720p पे रिकॉर्ड करते हैं, बट अगर डिटेल की बात करते हैं तो रेडमी नोट 11 में थोड़ी बेटर है, बट हाँ क्रॉप सेंसर मिलता है आपको। वाइड एंगल इन्फिनिक्स नोट 12 का है, बट स्लो मोशन में डिटेल और ऑब्जेक्ट जो फ्रेम्स होते हैं वो हमें हमारे रेडमी नोट 11 में कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स के ज़्यादा मिल रहे हैं, और इन्फिनिक्स में थोड़ी सी ना पिलाहट वाली टोन हमें देखने को मिल रही है। चलते अपने अगले पार्ट की तरफ और कंक्लूजन की बात करते हैं। अब ये थी वीडियोस, आपने देखा डेलाइट में इन्फिनिक्स नोट 12 में ना पता नहीं इस फ़ोन का क्या इशू है, मतलब मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 भी चेक किया था, जो रेडमी नोट 11 है वो वीडियोस में थोड़ा बहुत स्टेबल क्रॉप सेंसर की वजह से था। ऑल्दो मैंने ये पहले भी कहा है कि स्नैपड्रैगन 680 इज़ नॉट अ ऐसा हार्डवेयर जो वीडियोस को रिकॉर्ड कर सके अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर इन दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं तो रेडमी नोट 11 कंपैरेटिवली बेटर नज़र आया मुझे फ्रंट और बैक में। लेकिन अनफॉर्चुनेट कोई भी 1080p 60fps नहीं है, कोई 4K 30fps नहीं है, जो चीज़ मिसिंग नज़र आती है वो मिसिंग है। 2K की वीडियो का एडवांटेज जरूर है इन्फिनिक्स के फोन को, लेकिन वो फोकस ही नहीं करता तो भाई हम लोग कैसे प्रॉपर कर सकेंगे। स्पेशली जो डे लाइट है उसमें ये इन्फिनिक्स नोट 12 काफ़ी स्ट्रगल करता है, और इवन जो रियर साइट है वो तो बिल्कुल ही जो है वो स्टेबल नहीं है कैमरा,
लाइक अगर मैं आपने देखा होगा BTS भी देख रहे होंगे कैमरा पर और साथ के साथ हमने देखा कि भाई चलते हुए जो है ना वो शेक बहुत करता है। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियोस के लिए आप दोनों ही फोन्स को कंसीडर मत कीजिएगा। अगर आपको एक अच्छा वीडियो के फोन के लिए चाहिए तो आप किसी यूज़ फोन पर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर वहीं पर कंपेयर करते हैं कुछ पिक्चर्स में, आप पिक्चर्स में भी ये प्रॉब्लम हमें इन्फिनिक्स नोट 12 में देखने को मिली है, एक नहीं कई बार देखने को मिली है। ये फोकस नहीं कर पाता, पता नहीं क्या वजह है कि लाइट में आता ही जरा ना थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने लग जाता हमें। ब्यूटी फिल्टर ऑफ करने के बाद भी थोड़ी सैचुरेशन रही, लेकिन डिटेल चेहरे की मेंटेन नहीं कर पाता। HDR मोड में भी हमने पिक्चर्स को कैप्चर किया तो HDR मोड में भी यहाँ पर हमारा Redmi Note 11 जो है वो ज़्यादा बेटर रहा। इवन स्किन टोन को काफ़ी हद तक नेचुरल लगता है, हाँ थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट साइड पर जाता है Redmi का Note 11, वहीं पर ओवर एक्सपोज या आप कह सकते हैं कि वॉश्ड आउट कर देता है कई कलर्स को जो है। इन्फिनिक्स का UI जो है हमेशा से ये काम करता है। पोस्ट प्रोसेसिंग में ऑल्दो Redmi का फ़ोन थोड़ा सा बेटर रहा एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स फ़ोन, तो फ्रंट साइड में मुझे ज़रा इशू नज़र आया इन्फिनिक्स के फ़ोन में। और इसी तरीके से पोर्ट्रेट्स में भी एजेस को ज़्यादा शार्प नहीं रख पाता, डिटेल ज़्यादा नहीं दे पाता, नेचुरल नहीं लगता एज और ओवर ब्राइटर इमेज कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को नहीं पसंद आती, मैं एक नेचुरल पसंद करता हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर मुझे लगा कि फ़ोन जो है वो स्ट्रगल करता है फ्रंट साइड पर, पोर्ट्रेट भी इतने अच्छे कैप्चर करता हुआ नज़र नहीं आया। रियर कैमरा की कुछ बात करते हैं, क्लोजअप शॉट्स के अंदर जो कलर रिप्रोडक्शन है और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो हमें Redmi Note 11 में ज़्यादा बेटर मिलेगी। कलर रिप्रोड्यूस अच्छे करता है, कॉन्ट्रास्ट और ये जो सैचुरेटेड टाइप की पिक्चर्स है ना मतलब बैलेंस कर लेता है, AI अच्छा बैलेंस कर लेता है Redmi Note 11 का। बट Infinix का फ़ोन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है, कहीं ना कहीं कलर वॉश आउट कर देता है। और उसी तरीके से रियर साइड की अगर 50-50 मेगापिक्सल की पिक्चर को कंपेयर करते हैं तो डे लाइट में हमने जो पिक्चर कैप्चर की वहाँ डिटेल Redmi Note 11 ने ज़्यादा बेटर कैप्चर की, लेकिन नाइट मोड में भी हमने भी इस 50 मेगापिक्सल को ट्राई आउट किया तो वहाँ पर हल्की फुल्की डिटेल Infinix के Note 12 में ज़्यादा बेटर रही है। नाइट मोड पर मैं आगे आऊँगा। और उसी तरीके से अगर बात करते हैं कुछ रियर साइड के पोर्ट्रेट्स की, अब यहाँ भी Infinix का फ़ोन फोकस और चेहरे की डिटेल को मेंटेन नहीं रख पाता, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और Redmi के फ़ोन रियर साइड से HDR ऑप्टिमाइज नहीं है, हो सकता है किसी अपडेट के थ्रू कर दिया जाए। हमने HDR मोड में भी काफ़ी सारी पिक्चर कैप्चर करने की कोशिश की, Redmi जो है फ्रंट साइड पर तो HDR प्रॉपर ले रहा था लेकिन रियर साइड से नहीं ले रहा था। और उसी तरीके से जो पोर्ट्रेट्स हैं वो हमारा जो बेहतर कैप्चर कर रहा था Redmi Note 11, एक तो नेचुरल रख रहा है, बाद में आप एडिट कर सकते हैं गैलरी में जाके अपर्चर आपको जो भी सेट करना हो, और उसके साथ साथ ही स्किन टोन को ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर रहा था, कलर रिप्रोड्यूस अच्छे कर रहा था। तो पिक्चर्स के हिसाब से Redmi Note 11 ज़्यादा बेटर है। अगर इन दोनों फोन्स को कंपेयर करते हैं तो वीडियो के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर है, बट मैंने Infinix Redmi Note 11 के अनबॉक्सिंग में बताया था कि मुझे Xiaomi से हमेशा उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, जो Note 10 के साथ एक्सपीरियंस था Note 11 के साथ नहीं है। वीडियोस के अंदर मैंने इसको जो है वो हमेशा से जो है वो मैंने कहा है कि मैं इसको कंसीडर कभी नहीं करूँगा, लेकिन इस सेगमेंट में देखा जाए तो यस इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट कैमरा सेटअप। नाइट मोड की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेट मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के अलावा भी नाइट मोड में Infinix का फ़ोन ज़्यादा बेहतर काम करता है। मतलब अगर आपने Infinix का फ़ोन लेना है तो आपको रात को जो है ना वीडियोस बनानी पड़ेंगी या कैमरा पिक्चर जो है लेनी पड़ेंगी। Infinix को एक फ़ोन का एडवांटेज ये भी है Infinix के फ़ोन को कि फ्रंट साइड पर आपको एक फ्लैशलाइट मिलती है जो कि नाइट टाइम जो है वो रिकॉर्ड करती है। नाइट मोड में मुझे थोड़ा बेटर लगा हमारा Infinix का फ़ोन, चेहरे की डिटेल को अच्छा मेंटेन कर लेता है, ज़्यादा नॉइजी डायलॉग रहे हमारे Redmi Note 11 में। तो कैमरा कैटेगरी में अनफॉर्चुनेट इस रेंज के अंदर आपको अच्छा कैमरा फोन बॉक्स पैक तो अवेलेबल नहीं है। दोनों फोन्स को कंपेयर करता हूं तो Redmi Note 11 को स्लाइटली एडवांटेज देना चाहूंगा कंपैरेटिवली Infinix Note 12। Infinix ने इतनी ऑप्शन जरूर डाल दी है, मैं ये कहता हूं ऑप्शन सारी निकाल लो, AI कैम वाली ऑप्शन सारी निकाल लो, एक जेन्युइन एक तो नेचुरल वाली दे दो, एक पोर्ट्रेट की ऑप्शन दे दो, और एटलीस्ट इमेज और पोस्ट प्रोसेसिंग जो है Infinix को ज़्यादा बेटर देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, आपने भी वीडियोस देखी हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपने अगले पार्ट की बात करते हैं तो डुअल स्पीकर क्वालिटी को अगर कंपेयर करते हैं तो Redmi Note 11 ज़्यादा बेटर होगा। एक तो एक्सटर्नल स्पीकर ऊपर वाली साइड पर, इसका साउंड क्वालिटी बहुत बेटर है Infinix के Note 12 से। उसके बाद चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो Redmi है ये एक नई टेक्नोलॉजी मतलब डुअल सेल वाली जो टाइप की टेक्नोलॉजी है ना वो मिलती है। एक घंटे में 5000 mAh बैटरी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दोनों फोन लेके आते हैं। 5000 mAh बैटरी को एक घंटा 5 मिनट में चार्ज करता है, वहीं Infinix का फोन 1.25 से 1.5 घंटे जो है चार्जिंग टाइम लेता है। स्क्रीन छोटी होने की वजह से अगर आप 90Hz रिफ्रेश रेट यूज़ करते हो तो 7-8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम जो है ना अब हमारा Redmi Note 11 भी जो है प्रोवाइड कर देता है। वहीं पर 6-7 घंटे Infinix भी निकाल जाता है, डिपेंड करता है आप किस ब्राइटनेस पे यूज़ कर रहे हो या किस नेटवर्क वाईफाई पे यूज़ कर रहे हो या सिम पे यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपको ज़रा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बाकी जो कॉल कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तो जो Redmi का फ़ोन है ये लाउडर ज़्यादा है क्योंकि इसका जो एयरपीस है वो सारे फोन्स का ऐसा है कि ज़्यादा वॉल्यूम देता है आपको, बिल्कुल वॉल्यूम नीचे करके अगर प्राइवेसी वाली कॉल सुनी है तो सुनना पड़ेगा। Infinix का भी ओके है, मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन्स के ठीक है, एनिमेशन का डिले जो है Redmi के फ़ोन में मुझे देखने को मिला है। 4G एग्रीगेशन की अगर बात करता हूं तो सिंगल बैंड मिलते हैं, सिंगल बैंड के हिसाब से दोनों ही फोन्स की स्पीड अपलोडिंग डाउनलोडिंग मिड रेंज सेगमेंट वाली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज नहीं मिलेगा दोनों ही फोन्स के
अंदर। अब ये था मेरा कंपैरिजन दोनों ही फोन्स को लेके। फाइनल कंक्लूजन की बात करता हूँ तो Redmi Note 11 इज स्टिल वैल्यू फॉर मनी। अंडर 35 के देखा जाए या अंडर 40 के देखा जाए, 90Hz रिफ्रेश रेट बहुत मायने रखता है, डिस्प्ले ने सारा दिन चलना होता है, उसके साथ साथ ही एमोलेड पैनल, पंच होल डिस्प्ले, एक फ्यूचर लुक प्रोवाता है, लेटेस्ट लुक प्रोवाइड करता है, IP53 की रेटिंग प्रोवाइड करता है, IR ब्लास्टर प्रोवाइड करता है, डुअल स्पीकर प्रोवाइड करता है, कंपैरेटिवली पिक्चर भी ज्यादा प्रोवाइड करेगा, लेकिन रैम और रोम का वेरिएंट थोड़ा कम मिलता है, और वहीं पर इन्फिनिक्स को सिर्फ एडवांटेज रैम और रोम के वेरिएंट का देना चाहूंगा। उसके अलावा डिज़ाइन आप पर छोड़ देता हूँ, मैं अपनी तो ओपिनियन बता चुका हूँ, डिज़ाइन का ओपिनियन आप पर छोड़ देता हूँ। बाकी इस फोन के अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ नहीं लगी कि इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम लोग हाईलाइट करेंगे, कहें कि सुपर वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, अगर ये 30,000 रुपये से नीचे की रेंज का होता फोन तब मैं कह सकता था कि इन्फिनिक्स, क्योंकि जायरो निकाल लिया, कॉस्ट कटिंग की हुई है, तब मैं कह सकता था कि भाई इन्फिनिक्स ने ना एक ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। बट अगर 35,000 एक्सपेंस करने हैं तो फिर हम लोग एक अच्छे डिस्प्ले के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छे कॉम्पैक्ट साइज वाले फोन पर इन्वेस्ट करेंगे। आई होप आपने मेरा पॉइंट जो है वो गेट कर लिया होगा। आपकी क्या रहेगी चॉइस, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूँ ये बात मासक से, पाकिस्तान फैंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।